हमारे आयुर्वेद में ऐसी कई गुणकारी जड़ी बूटियों, फूलों और फलों का वर्णन पाया जाता है जिनके नियमित सेवन से न सिर्फ कई बीमारियों में आराम मिलता है बल्कि हमारी त्वचा भी युवा बनी रहती है। ऐसी ही खूबियों से भरपूर फल है आंवला। विटामिन सी से भरपूर आंवला हर मौसम में लाभदायक होता है। आंवला को पोषक तत्वों का राजा माना जाता है। ऐसे पोषक तत्व जो हमारी इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के साथ साथ हमारे शरीर की सभी प्रक्रियाओं को संतुलित करता है और त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ से जुड़े रोगों को भी ठीक करने में मदद करता है। आंवला से होने वाले फायदों के बारे में मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया हुआ है। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल जानकारी के लिए आप ऊपर दिए हुए आई बटन को क्लिक करके मेरी उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो आंवला हमें अक्सर मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाता है, लेकिन कई बार मौसम की विषमताओं के कारण इसकी उपलब्धता नहीं हो पाती है। और इसके साथ ही आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में रोज़ाना हमें जूस बनाने के लिए समय की कमी भी महसूस होती है। तो आज इस समस्या का एक बेहतरीन समाधान मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो है झंडू का आंवला प्लस 5 हर्ब्स हेल्थ जूस, जो बना है आंवला के गुणकारी पल्प और 5 प्रभावशाली जड़ी बूटियों से, जैसे गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, यष्टि एवं शिग्रु। ये जूस इस तरह की बॉक्स पैकिंग में आता है। काफ़ी हार्ड और सुंदर पैकिंग है इसकी। काफ़ी कुछ इसके बॉक्स पर ऑलरेडी मेंशन किया गया है। पहले हम इसकी क्वांटिटी और प्राइस के बारे में जान लेते हैं। ये 1 लीटर की पेट बॉटल में आता है, जो मैं आपको आगे की वीडियो में दिखाऊंगी। इसका प्राइस 245 रुपीज़ है। इसकी एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग डेट से 2 साल की होती है। इस बॉक्स की दूसरी तरफ आंवला और 5 हर्ब्स की कंपोजिशन के बारे में बताया गया है। आप यहां देख सकते हैं कि बॉक्स में ये भी मेंशन किया गया है, फ्री फ्रॉम सिंथेटिक कलर्स एंड फ्लेवर्स, मतलब आपको यहां प्योर जूस मिलेगा जिसमें ना कोई आर्टिफिशियल कलर और ना ही आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ऐड किए गए हैं। साथ ही यहां ये भी मेंशन किया गया है कि इसे ऐसी जगह पर स्टोर करें जो कूल और ड्राई हो और जहां डायरेक्ट सनलाइट भी ना आती हो। इसके साथ ही एक बार खोलने के बाद इसे रेफ्रिजरेट करें और 30 दिन के भीतर कंज्यूम कर लें। यहाँ बॉक्स पर इस तरफ मेंशन किया गया है कि यह जूस प्राकृतिक एवं सुरक्षित है। इसके रोज़ाना सेवन से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ती है। यह हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है और साथ ही बालों को भी पोषण देता है, ताकि हम स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त रहें। फ्रेंड्स, ये जूस पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जो हमारी डायबिटीज़ को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। हमारी आँखों, दिमाग, हृदय और उम्र सभी को जवान बनाए रखने में मदद करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे नए वीडियोस की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बॉक्स में से इस जूस की बॉटल को निकालते हैं। ये देखिए, ये बॉटल कुछ इस तरह से दिखती है। ये 1 लीटर की पेट बॉटल है। ये ग्रीन कलर की बॉटल है ताकि सन रेज इसे ज़्यादा इफेक्ट ना कर पाए। ये यहाँ पर इसके डोज और सेवन की विधि बताई गई है। खोलने से पहले इसे अच्छी तरह से शेक कर लें। आइए इसे ओपन करके देखते हैं। इस जूस को मैं एक मेजरिंग कप में 30 ml नाप कर ले लेती हूँ। अगर आपके पास मेजरिंग कप ना हो तो 3 बड़े चम्मच भरकर इस जूस को लिया जा सकता है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से दिखता है। याद रखें, यूज़ के बाद बॉटल के कैप को टाइटली क्लोज कर दें। अब मैंने यहाँ ये 1 कप गुनगुना पानी ले लिया है। इस जूस को मैं इसमें मिला रही हूँ। बस अब ये पीने के लिए तैयार है। इसका टेस्ट काफ़ी मीडियम सा है। आंवला, गिलोय और तुलसी का फ्लेवर साफ पता चलता है। आम आंवला जूस के मुकाबले इसमें खट्टापन बहुत कम है, या कहिए कि ना के बराबर है। सुबह सुबह खाली पेट रोज़ाना या चिकित्सक की सलाह के अनुसार इसका सेवन करना ज़्यादा उत्तम रहता है। ये जूस उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है। फ्रेंड्स, इस जूस में मिलाई गई 5 हर्ब्स में से गिलोय, तुलसी और अश्वगंधा, तीनों पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। आप चाहें तो ऊपर दिए हुए आई बटन को क्लिक करके मेरी इम्यूनिटी पर बनाई हुई सीरीज़ में से इनके बारे में जान सकते हैं। लेकिन इस जूस में मिलाई हुई 2 अन्य हर्ब्स यष्टि और शिग्रु के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि यष्टि, जिसे हम मुलेठी के नाम से भी जानते हैं, हमारे बेहतर पाचन और श्वसन स्वास्थ्य में मदद करता है।
आमतौर पर इसका यूज सर्दी, खांसी, गले की खराश में आराम पाने के लिए भी किया जाता है। शीग्रु यानी मोरिंगा, जिसे इंग्लिश में ड्रमस्टिक ट्री भी कहा जाता है, इसका पत्तियों के रस को डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, बोन वीकनेस, जोड़ों में दर्द, हार्ट और यूरिन प्रॉब्लम्स में भी उपयोग किया जाता है। कैंसर की रोकथाम में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अब आप ही सोचिए कि इतनी सारी गुणकारी जड़ी बूटियों से मिलकर बने इस जूस से हमारे शरीर को कितने फ़ायदे मिल सकते हैं। यहाँ मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी कि मेरे चैनल हेल्थ अनलॉकिंग द्वारा विस्तार से दी जाने वाली जानकारी के लिए हमारे कई व्यूअर्स हमारी सराहना करते हैं। उनको हमारी हेल्थ अनलॉकिंग टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कई व्यूअर्स इस बारे में भी जानना चाहते हैं कि हम इतनी डिटेल वीडियो क्यों बनाते हैं, तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगी कि हम गहन अध्ययन के बाद ही किसी भी आयुर्वेदिक औषधि पर वीडियो बनाते हैं। हम चाहते हैं कि एक बार हमारी वीडियो देखने के बाद आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड पूरी जानकारी मिले, ताकि आपको कहीं और ना जाना पड़े। और साथ ही याद रखें कि अगर आपके कोई अन्य प्रश्न या सुझाव हों तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे तो हमारी टीम आपके प्रश्नों का उत्तर जल्द से जल्द देने का प्रयत्न करती है, लेकिन अगर आप अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर तुरंत चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन को क्लिक करके बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे करके हमारी हेल्थ अनलॉकिंग टीम के सपोर्टिव मेंबर बन सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ ही योग को अपनी दिनचर्या में अवश्य शामिल करें, नशे और स्ट्रेस से दूर रहें, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें, अपनी मदर नेचर से जुड़ें, अपने सुंदर जीवन के लिए ईश्वर को धन्यवाद करें और इस जीवन का आनंद लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बी सेफ एंड बी हेल्दी, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।